गुड इवनिंग एवरीवन. हाय, माय नेम इज साची सुनील गनोरकर. मैं अब आपको कुछ एबेकस के प्रॉब्लम्स बताऊंगी. तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है डिवीजन का. 643 डिवाइडेड बाय 8. अब हमें सबसे पहले डिवाइजर है हमारा 8 और डिविडेंड है हमारा 6. तो हमें सबसे पहले डिविजर और डिविडेंड को कंपेयर करना है. तो कंपेयर करने के बाद 8 डिविजर है वो हमारा बिग आया है. तो बिग आने के बाद इफ डिवाइजर इज बिगर देन डिविडेंड देन यूज ए माइनस बी. अब ए क्या है, बी क्या है? तो ए है 643 और 8 है हमारा बी. अब 8 बी के यहाँ पे कितना डिजिट है? 1 डिजिट. और 643 में कितने डिजिट है? 3 डिजिट. तो 3 - 1 = 2. तो हमारा आंसर 2 डिजिट आएगा. इससे 2 पैक बनाएगी क्योंकि 8 हम 6 में से तो डिवाइड नहीं कर सकते. इसलिए 64 और 43 का 8. 8 के टेबल में 64 कब आता है? 8 = 64. और यहाँ पे रिमाइंडर बचा नहीं है. यहाँ पे सिर्फ 3 है. 8 के टेबल में 3 तो नहीं आता है. तो 0 8 0 तक 0 और रिमाइंडर हमारा बचा 3. तो आंसर है 80, रिमाइंडर 3. यस, दैट इज राइट. सेकेंड, 848 डिवाइड बाय 6. ये भी वैसा ही है. पर कंपेयर करने पर हमारा डिविजन है वो डिविडेंड से स्मॉल आया है. स्मॉल आने के बाद इफ डिवाइजर इज सेम और स्मॉलर देन डिविडेंड देन यूज ए माइनस बी प्लस 1. ए और बी ये माइनस हो गया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 डिजिट आएगा. पर यहाँ पे प्लस 1 करना है ना. तो प्लस करने के बाद हम यहाँ पे प्लस 1 करने के बाद आंसर आया था हमारा 3. तो 6 के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं, 1 था. तो 2 बचा. 24 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं है. तो 6 के टेबल में तो 8 आता ही नहीं है. तो 8 कर लेंगे तो 1 हमारा रिमाइंडर आया 2. सिर्फ तो हमारा आंसर आया 141, रिमाइंडर 2. यस, दैट इज राइट. थर्ड, 999 डिवाइड बाय 2. 999 डिवाइडेड बाई 2 वैसा ही है. अब हमें 9 के टेबल में 2 तो नहीं आता. 4 - 8 आता है. 1 - 19 - 18. 1 - 9 - 18, रिमाइंडर 1. 499, रिमाइंडर 1. आंसर इज 499, रिमाइंडर 1. यस, दैट इज राइट. तो अब मैं आपको 3 डिजिट का एक टेबल बताऊंगी. 9 - 47 - 1 - 9 - 4 - 3 - 2 - 8 - 4 - 1 - 4 - 3 - 7 - 8 - 5 - 4 - 7 - 3 - 5 - 6 - 5 - 6 - 8 - 2 - 7 - 6 - 6 - 2 - 9 - 8 - 7 - 7 - 6 - 9 - 8 - 5 - 2 - 3 और 10 - 9 - 4 - 7 - 0. यस, दैट इज राइट. तो अब मैं आपको एबेकस का सेकंड प्रॉब्लम बताऊंगी. वो है कैलेंडर. तो कैलेंडर का फर्स्ट सम है 1 अगस्त 2007. तो कैलेंडर कैसे निकालना? कैलेंडर के लिए सबसे पहले हमें 3 स्टेप्स होती है. तो हमारा सबसे पहला 1 है डेट. 1 को प्लस कर देंगे. अगस्त का कोज है हमारा 3. 1 + 3 और 20 का कोड है 6. और अब हमें ईयर कोड नहीं पता. हमें सेंचुरी कोड पता है, मंथ कोड पता है और डेट वैसे की वैसे ही लिखी. अब हमें 7 को उसका
कोड ढूंढना है, तो इसके लिए हमें 3 स्टेप पे 0, 28, 56 और 84 ये कैलेंडर का इम्पोर्टेंट नंबर है। तो अब हम 7 किस पे से माइनस होगा, 0, तो 7 और 0। अब 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब 7 के टेबल में, सॉरी 4 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, 8 आता है पूजा, तो 7 प्लस 1। हमें क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन हमारा आया है 1, 7 प्लस 1 8, और वैसे ही हमें 7 से डिवाइड कर रहा है, 4 7 से ही डिवाइड कर रहा है दोनों स्टेप में। तो 7 के टेबल में 8 तो नहीं आता है, बस 7 आता है। यहाँ पे हमें रिमाइंडर देना है, रिमाइंडर हमारा है, एक्सक्यूज मी, हमारा रिमाइंडर बचा है 1, तो 6 में 1। अब हम 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 इन्हें प्लस कर देंगे, 1 3 6 11 तो नहीं आता है। तो 1 अगस्त 2020 का है, हमारा आंसर 4 आया है, रिमाइंडर 4 आया, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, तो इसका आंसर वेडनेसडे है। Yes, that is right. Now, second, 17 July 2001. अब वैसे पूरा कर रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ सब। ये लीप ईयर है क्या? लीप ईयर मतलब क्या? जनवरी और फरवरी अगर मंथ में हो, और अगर वो सेंचुरी मतलब सॉरी वो ईयर है वो 4 से फुल्ली डिवाइड होना चाहिए, अगर 4 से फुल्ली डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, और मंथ हमारा जनवरी या फरवरी आ रहा है। तो हमारा मंथ है फरवरी और हमारा ईयर है 40, मतलब ये पूरा 4 से फुल्ली डिवाइड हो रहा है, 4 10 40, तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर में हमें वही स्टेप कर रहे हैं, सिर्फ हमें डे का पहले दिन ले रहे हैं, सैटरडे है तो सैटरडे, सैटरडे तो फ्राइडे, ऐसा 40 40 40 हमारा बदला, मतलब संडे हुआ, तो संडे का पहला दिन सैटरडे, 18 फरवरी 2040 का दिन आएगा सैटरडे। Yes, that is right. तो अब मैं आपको 4 डिजिट का टेबल बताऊंगी, और टेबल है 2580। तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 5 8 0, 2 0 5 1 6 0, 3 0 7 7 4 0, 4 0 1 0 3 2 0, 5 0 1 2 9 0 0, 6 0 1 5 4 8 0, 7 0 1 8 0 6 0, 8 0 2 0 6 4 0, 9 0 2 3 2 2 0, 10 0 2 5 8 0 0। अब हमारा पूरा प्रॉब्लम है वो पूरा सॉल्व हो गया है। तो अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, मतलब वो ये एबेकस विजुअल या एबेकस से आपको आपके फ्यूचर में बहुत काम आ सकते है, मतलब आप शॉप में जाते हो, कहाँ पे भी जाते हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो एबेकस से। और इन जापान दे यूज एबेकस टू कैलकुलेट द नंबर्स और व्हाट इज द प्राइस ऑफ द थिंग,
ओके, तो मेरा आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म होता है, तो बाय एंड थैंक यू।